शिकागो के छठे वार्षिक पाठोत्सव समारोह में, जहां अध्यात्म का सुंदर अनूठा वातावरण देखने को मिला। छठे पाठोत्सव के अवसर पर अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिली। 18 से 20 जुलाई के दरमियान आयोजन इस समारोह में 84 दर्शक मनोरथ आयोजित किया गया। खास इस अवसर के लिए भारत से अध्यात्म गुरु इंदिरा बेटी जी को आमंत्रित किया गया और भजन एवं प्रवचन समारोह इत्यादि आयोजित किए गए। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आई मी माई सेल्फ आई नो, हर इंसान कहता है। हम सब के पास बुक्स की नॉलेज है, लेकिन समय नहीं अपने आप को जानने का कि हुआ ना है। समाज और मिडवेस्ट संस्था फलपूर्ण रही है। 6 साल पहले उन्होंने श्रीनाथ जी हवेली की नींव रखी, मंदिर का निर्माण किया और आज देखते ही देखते आवश्यकता मंदिर के विस्तार की पड़ रही है। ये जान इंदिरा बेटी जी ने प्रसन्नता का इजहार किया और कहा कि छठे पाठोत्सव में शामिल हो वे खुश हैं। मुझे आनंद है आज यहाँ के लिए मैं आई हूँ और आज दूसरा दिन है। भगवान की कृपा से स्वप्न की तरह 6 साल व्यतीत हो गए और ऐसा लगता है कि अब यह मंदिर छोटा पड़ने लगा है। काफी लोग यहाँ आते हैं। मुझे इस जानकर के आनंद भी हुआ कि अब यहाँ के कार्यकर्ता इस मंदिर का एक्सपांशन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि और भी ज्यादा से ज्यादा वैष्णव जन आए और भी आए और मंदिर बहुत बड़ा बड़ा हो, वैष्णवों के लिए सुविधा भी अच्छी हो, सभी प्रकार की सुविधा हो। हमेशा जीवन में प्रगति आवकारदायक होती है। हम जहाँ हैं वहां से आगे बढ़ना है। हवेली का एक्सपांशन तो हो और हवेली के साथ साथ यहाँ जो वैष्णव जन आ रहे हैं उनके मानस का भी एक्सपांशन हो, हृदय में ब्रॉड भावना हो, सबके साथ वैष्णवता का नाता हो, सब एक दूसरे के साथ जुड़े और मेरा तेरा छोड़कर सबके भीतर एक प्रेम भावना जगे। इसके लिए मनुष्य को ये मैंने किया ये तैने किया उसे छोड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ब्रदरहुड सब मिलकर हम करें, जिसे हम वैष्णवता का नाता कहते हैं उसे जोड़कर इस हवेली के कणकण में वैष्णवता को हमें भरना है। इस अवसर पर सभी ने इंदिरा बेटी जी का जन्मदिवस भी मनाया और बधाई गीत गाए।